गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अंजलि एंड आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मामा अर्थ के इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है बाय बाय डार्क सर्कल आई क्रीम। आजकल ना हम सभी को डार्क सर्कल की प्रॉब्लम तो होती ही होती है। ये डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हमें बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से, या फिर लेट नाइट फ़ोन यूज़ करने की वजह से, या प्रॉपर स्लीप साइकिल ना होने की वजह से डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हम सभी में होती है। और इसको क्योर करने के लिए हम बहुत सारे तरीके ढूंढने लगते हैं। ऐसा ही एक तरीका मैं ढूंढ रही थी और मुझे मामा अर्थ का ये आई क्रीम मिल गया। इसको यूज़ करके मुझे क्या एक्सपीरियंस मिला, मुझे कैसा लगा, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है और इस पर मैंने जो पैसे खर्च किए वो ठीक थे या नहीं, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आज इस वीडियो से एंड आपको पता चलेगा कि ये क्रीम आपको खरीदनी है या नहीं खरीदनी। एंड आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। एंड अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये एक स्टैंडर्ड कार्ड बॉक्स की पैकेजिंग में आती है एंड इसके पीछे इस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल लिखी हुई है कि इसमें क्या यूज्ड है, कैसे इसको यूज़ करना है, ये सारी डिटेल्स इसके पीछे लिखी हुई है, आप जाके पढ़ सकते हैं। एंड जब हम इसको ओपन करते हैं ना, तो इसमें से एक काफ़ी क्यूट सा ट्यूब निकलता है, काफ़ी क्यूट सा एक ट्यूब है इसमें। ये काफ़ी लाइट वेट ट्यूब है विच इज़ वेरी इजी टू कैरी। एंड अगर इसके पैकेजिंग की बात करें तो इसके पैकेजिंग की सबसे अच्छी बात है इसका ये ट्यूब, जो कि बहुत इजीली आप अपने आई एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये इसको हाइजीनिक भी बनाता है, जिससे आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा और जितनी क्वांटिटी में आपको प्रोडक्ट की ज़रूरत है आप उतनी क्वांटिटी में निकाल के डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट पे मेंशन है कि इसमें क्यूकम्बर एंड पेप्टाइड्स यूज़ किए गए हैं। अगर हम क्यूकम्बर की बात करें तो क्यूकम्बर बहुत सारे गुडनेस से भरा हुआ है हमारी आँखों के लिए, तो वो बहुत ही कमाल का काम करता है। क्यूकम्बर की बहुत सारी गुडनेस होती है अंडर आइस, हमारी आँखों के नीचे जो ड्राइनेस हो जाती है क्यूकम्बर उसको हाइड्रेट करता है। क्यूकम्बर आंखों के नीचे होने वाले सूजन एंड कालेपन को, मींस डार्क सर्कल्स एंड पफिनेस को रिड्यूस करता है। एंड जो सेकेंड चीज़ इसमें एडेड है वो है पेप्टाइड्स। अगर हम पेप्टाइड्स की बात करें तो वो एक ऐसा कंपाउंड है जो अमीनो एसिड से बना होता है। ये आपके आंखों के नीचे के स्किन को प्रोटीन प्रोवाइड करता है एंड आपके आंखों के चारों ओर जो कालापन आ जाता है ये उसको भी रिड्यूस करता है। इस प्रोडक्ट पे मेंशन है कि आपको इसको दिन में दो बार यूज़ करना है, एक बार दिन में एंड एक बार रात में। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि दिन में हम उतना सो नहीं पाते, तो दिन में इसको यूज़ करके कुछ खास बेनिफिट मिलता नहीं है, तो इसका जो भी बेनिफिट मिलता है वो रात में ही मिलता है, क्योंकि हम रात में ज़्यादा लंबे टाइम के लिए स्लीप लेते हैं। तो यस, मेरे ख्याल से तो इसका बेनिफिट रात में ही मिलता है। सी, अगर हम अंडर आई क्रीम्स की या डार्क सर्कल रिड्यूसिंग क्रीम की बात करें तो आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ सच क्रीम्स, क्योंकि अगर हम अपना स्लीप साइकिल ठीक रखते हैं, प्रॉपर रखते हैं एंड हेल्दी खाते हैं और ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, तो वैसे भी हमें डार्क सर्कल्स नहीं आते। बट अगर इन दैट केस हम अपना स्लीप साइकिल मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या ऑलरेडी हमारे आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है, तो आप इसको यूज़ करने के बारे में सोच सकते हैं। बट या सिर्फ इस क्रीम को यूज़ कर लेने से आपके डार्क सर्कल नहीं चल जाएंगे। सो अगर आपको डार्क सर्कल को रिड्यूस करना है तो आपको इस क्रीम को यूज़ करने के साथ साथ 7 to 8 hours लॉन्ग स्लीप भी लेना होगा, अपने स्लीप स्केड्यूल को मैनेज करना होगा। एंड अगर ओवरऑल इस प्रोडक्ट की बात करें ना, तो मैं आपको ये प्रोडक्ट उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आपको थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स हैं ना, तो वो वैसे भी आप अपना स्लीप स्केड्यूल ठीक करके, या फिर थोड़ा बहुत हेल्दी खा के, या फ़ोन वगैरह उतना ज़्यादा नहीं यूज़ करके भी ठीक कर सकते हैं। बट या अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स है और जा ही नहीं रहे, स्टबन डार्क सर्कल्स हैं, तो मे बी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सो यस, आज के वीडियो में इस प्रोडक्ट के बारे में बस इतना ही। एंड अगर आपको डार्क सर्कल रिड्यूस करने के लिए DIY रेमेडीज चाहिए, जो कि मैंने अपनी नानी से सीखा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं वो रेमेडीज आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। एंड या अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर। Damn.